आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। साउथ में आस्था का एपिसेंटर तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां देश दुनिया से लोग गोविंदा गोविंदा करते बड़ी संख्या में अपनी मनोकामना और आस्था के साथ इस मंदिर में आते हैं, जहां के प्रसाद को पाकर अमृत पाने जैसा सौभाग्य समझते हैं। अब वहीं पर भक्त अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ भारत के 110 करोड़ हिंदुओं बल्कि विदेशों से आए असंख्य भक्तों की आस्था को छला गया है। प्रसाद के नाम पर भैंस गाय का फैट, सुअर की चर्बी, मछली का तेल खिलाया गया है। अभी तक लोग इस बात से दुख में थे कि शोभा यात्रा पर पथराव होते हैं, धर्म पर टिप्पणी करी जाती है, पर अब सीधा प्रहार आस्था पर हुआ है, वो भी उस स्थान पर जो हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है, तिरुपति बालाजी का मंदिर। आखिर इस महापाप का जिम्मेदार कौन है? इसकी सजा किसे मिलेगी? कोई नियम कानून आएगा इस महापाप के लिए, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, आस्था से खिलवाड़ करने के लिए? इसी पर आज करेंगे हम चर्चा, और हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले, जो कुछ भी हुआ है तिरुपति बालाजी मंदिर में, किस तरह से जो वहां पे सेवादार है उनके नाक के नीचे ये सब काला खेल चलता रहा, क्या कुछ हुआ है वो भी सुनिए। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं, विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी, तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान, तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना, तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है, तो बड़ी उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है, उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज टीडीपी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। तो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और सोशल मीडिया पर भी अब कई तरीके के पोस्ट लोग कर रहे हैं इस कृत्य के सामने आने के बाद। लोकसभा चुनाव के बाद और जब 100 दिन पूरे होते हैं सरकार के, तो इस बात का ऐलान किया जाता है, इस बात का खुलासा किया जाता है। और अभी इसी खुलासे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनातन धर्म समिति के महासचिव धर्मेंद्र दास जी लखनऊ से, साथ ही हरिद्वार से महंत शुभम गिरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डॉक्टर श्री मदन गोपाल दास जी महाराज अधिकारी हैं ट्रस्ट श्री कामतगिरी प्रमुख चित्रकूट से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति नंद सरस्वती जी भी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुभम गिरी जी, जो ये मामला सामने आया है, इसको किस नजर से देखते हैं? बड़ी चोट करी गई है, इस बार आस्था पर चोट करी गई है। हर बार तो शोभा यात्रा पर पथराव करके चोट पहुंचाई जाती थी, लेकिन इस बार सीधा आस्था से खिलवाड़। ये बहुत बड़ा गंभीरता का विषय है, और आस्था से खिलवाड़ तो वास्तव में ही है। और साथ में आपको ये बताऊं, तीर्थ गई मैं नानका, मन चंचल चोर, गई थी मल उतारने लक्ष्मण लाई ओर। अगर कोई तिरुपति बालाजी मंदिर में जाता है, वहां का प्रसाद लेता है, तो उसे
तब तक मन में शांति नहीं थी जब तक प्रसाद नहीं खाया। लेकिन इस तरह से प्रसाद में मछली का तेल और साथ में चर्बी वाला घी, जो बीट का घी बताया गया, जैसे एनिमल चर्बी है जिसमें उसको बताया गया, मिलावट आई है, और 200 से अधिक ब्राह्मण उस लड्डू को मनाते हैं और लड्डू का प्रसाद प्रत्येक दिन 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। लेकिन इस तरह से जो मंदिर प्रशासन है, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, वो कहाँ सोया हुआ था 5 साल पूर्व, अभी 100 दिन पूर्व वहां पर जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार थी, उससे पूर्व चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार थी, वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री है, चंद्रबाबू नायडू जी तो अविभाजित आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक था, लेकिन उस समय सरकार कहाँ सोई थी। ये बहुत बड़ा गंभीरता का विषय है, इसको हम देखते हुए हम अपने इसमें कहते हैं कि इस विषय को देना चाहिए सरकार को, इसमें गंभीर से गंभीर जांच करनी चाहिए और पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनकी एक कमेटी गठित करे और संत समाज का एक प्रतिनिधि मंडल रखे और तब जाके इस विषय की जांच हो। तत्काल जो अधिकारी गण है, जो भी मंदिर समिति के अध्यक्ष है और जो तिरुपति बालाजी मंदिर की जो समिति है, उनको तत्काल मेरे अनुसार से तत्काल वो समिति निरस्त करनी चाहिए, नई समिति बनानी चाहिए जिसमें संतों का भी प्रतिनिधि मंडल हो। राज्यों में जिनकी सरकार होती है वही अपने व्यक्ति को मनाते हैं लेकिन किसी संत को नहीं लेते, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो तत्काल इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करके नया देवस्थानम बोर्ड मनाना चाहिए और जो घी आया, चर्बी वाला घी आया, पहले किसी कंपनी से लेते थे कर्नाटक की, वहां ने रेट बढ़ा दिए और रेट बढ़ाने के बावजूद दूसरी कंपनी से लेने लगे। और मान लीजिए 8,000 का देसी घी का टीन है तो 5,000 में मिल रहा है या 4,000 में मिल रहा है, तो रेट बचाने के चक्कर में। लेकिन ये बहुत बड़ी विषय है क्योंकि तिरुपति में कम से कम तो कितने करोड़ रुपए चढ़ते हैं, 1500 करोड़ की सालाना इनकम भी है उस मंदिर से, तो गौशाला का निर्माण करे, अपनी खुद की डेयरी खोले, खुद ही वहीं से घी बनाए। सरकार को तो इस विषय में सोचना चाहिए, इसमें से पूर्व की सरकार भी और वर्तमान में जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि मैं इसमें उचित से उचित कदम उठाऊंगा, हम सब एक है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आजकल पितृ पक्ष भी लगे हैं, पितृ पक्ष में ऐसा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जी, हमारे साथ लखनऊ से धर्मेंद्र दास जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, ये जो मामला सामने आया है आस्था से जुड़ा है, प्रसाद वो किसी भी मंदिर का हो, लोगों की आस्था से जुड़ा होता है। लोग तो कहते हैं, अगर किसी से मजाक में भी कहते हो कि इस प्रसाद में कुछ मिला है, तो लोग कहते हैं ऊपर वाला रखवाली करेगा, ये हमारे लिए अमृत है, अमृत समझ के लोग प्रसाद के नाम पर कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन जब तिरुपति बालाजी मंदिर लोग जाते, इतनी दूर इतने घंटों के इंतजार के बाद अपने प्रभु के दर्शन करते हैं, वहां से जो प्रसाद मिलता है, और अब लोगों को पता चल रहा है कि उसमें मछली का तेल मिला है, उसमें जो है चर्बी मिली है, तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान के सभी चैनलों में और मीडिया में जी, और ये चर्चा का विषय है। आपको बता दूं कि ये 9 जुलाई को नमूने लिए गए, इसमें सुअर की चर्बी भी लैब ने पुष्टि कर दी है, मछली का तेल भी पुष्टि कर दिया गया है, और इनके एक मंत्री ने जी, जो अन्नदान में भी पशुओं की चर्बी का उल्लेख आ रहा है, यानी जो हमारी जनमानस जनता जा रही वहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे तिरुपति बालाजी का जी, अब समझिए कि ये जो अन्नदान में प्रभाव आ रहा है कि उसमें भी हमारे दाल चावल महाप्रसाद आदि में इसका अभी उसकी हाथ बाकी है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने भी दिल्ली कंपनी को ठेका दिया, कोई कर्नाटका कंपनी का, और जो उसके पूर्व अध्यक्ष है वो बता रहे हैं 60 किलोग्राम राजस्थान के फतेहपुर में एक डेयरी से प्रदेश 60 किलोग्राम भी आ रहा है। यहाँ इतने बड़े मंदिर को 60 किलोग्राम घी से चल जाएगा कार्यक्रम? आप अध्यक्ष जी ये बताएं, पूर्व अध्यक्ष हैं, कि 60 किलोग्राम घी से क्या हमारे तिरुपति बालाजी का कार्यक्रम चल जाएगा? उसमें अन्नदानम भी है, उसमें महाप्रसादम भी है, मंदिर की भी सुविधा। तो ये अपने आप में इनके जवाब में ही प्रश्न छिपा हुआ है कि कहीं ना कहीं तो मिलावट हुआ है जी। अब इसकी जो हमारी सरकार है जिन्होंने इस विषय को उठाया है, तो पीडी के गवर्निंग काउंसिल जो पूर्व सदस्य ओबी रमना ने भी से सही माना है, जो वो सदस्य रहे इस काउंसिल के जी, और जो सरकार पूर्ववर्ती रही है मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी साहब,
तो उस पूरी सरकार के पूरी समिति बना करके विशेष जाँच हो, और आज हर संत हर भक्त हर सनातन धर्म को मानने वाला आहत है। जी कारण ये है कि हम लोग आस्था के साथ वहाँ जाते हैं, और आस्था के साथ ही यदि खिलवाड़ हो गया, आस्था के नाम पे जो वहाँ लड्डू प्रसाद लाइन लग के दर्शन मेला करते हैं, इससे ये नहीं कि सवाल है मिलावट ही नहीं हुई, आज से ये न्यूज प्रसारित हुई, आप देखिएगा कोई प्रसाद लेने में भी हिचकेगा, प्रसाद ग्रहण करने में भी हिचकेगा, और दर्शन की संख्या में भी गिरावट आने की संभावना है। बिल्कुल, अब तो प्रसाद पर सवाल उठने लगे हैं। जी अब प्रसाद पर सवाल उठने लगे हैं, जिस प्रसाद के लिए होड़ लगी रहती है भक्तों की, और एक व्यक्ति अपने घर लाता है तो पूरे आस पड़ोस में उस प्रसाद को बांटता है, तो जिस तरह से प्रसाद पर सवाल उठ रहा है, तो क्या अब ये जो लापरवाही सामने आई है, प्रसाद में भ्रष्टाचार देखने को मिला है, ये सवाल मेरा आपसे है मदन गोपाल दास जी महाराज जी, कि जिस तरह से भ्रष्टाचार प्रसाद में देखने को मिला है, तो क्या अब प्रसाद की नीति को ही बंद करना पड़ेगा, क्या एक यही रास्ता है लोगों का आस्था और धर्म बचाने का? त्रिपति बालाजी मंदिर है, उसमें पूर्व से ही सरकार ने कुछ ऐसा षड्यंत्र किया है कि वहाँ का अधिक से अधिक जो धन चढ़ता है वो ईसाई मिशनरियों में खर्च होता है। जी। तो पहले तो प्रश्न यही है कि जो हमारा आज प्रसाद को दूषित किया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ईसाई मिशनरियों को जो मंदिर का धन जाना, ये बहुत बड़ी बात है, ये हिंदुओं का हमारा आस्था का केंद्र है, हिंदुओं का दान चढ़ाया हुआ पैसा है, तो जो वहाँ पर ट्रस्टी हैं, बहुत जो चेयरमैन या जो भी वाइस चेयरमैन वहाँ रहते हैं, उसके जो वहाँ विकास करते हैं उस नाम से, तो वो कहते हैं कि हम मानवता के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन ईसाई मिशनरियों के लिए आधे से ज्यादा परसेंटेज पैसा जाता है वहां से। और वो जो वहाँ की प्रसाद की अशुद्धि की बात कर रही है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ऐसे अंदर प्रसाद में ही नहीं, बहुत जगह ऐसी मिलावटें हैं जो वहाँ के स्थानीय साधु संतों के द्वारा जानकारी मिली है। जी। बगल में ही हाथीराम मठ बना है वहाँ पर। जी। वहाँ के संत को भी उपेक्षित किया है, और वहाँ से बहुत बार धमकी मिली है, उनको हटाने के लिए बोला है। तो जो कि त्रिपति बालाजी का राजभोग का आज भी संबंध हाथीराम मठ से प्राचीन है, हाथीराम मठ हमारे रामानंदी परंपरा का मठ है, जो कि भगवान जो त्रिपति बालाजी भगवान हाथीराम बाबा के साथ बैठ करके चौसड़ खेलते थे। जी। और ये वहाँ की एक कथा है, प्राचीन है, और वहां से ही भोग पहला प्रसाद वहां से ही जाता था, हाथी मठ से। जी। लेकिन तो वहाँ सरकारों ने जो किया है, जिस प्रकार से अभी हमारे बीच में जो पूर्व के आचार्य जी बोल रहे थे, वो सही बात है, और जगमोहन रेड्डी और भी जो पूर्व की सरकारें रही, और जो वहाँ ट्रस्टी में है जो ईसाई लोग हैं, ये बहुत सारा जांच का विषय है, बहुत बड़ा जांच का विषय है। जी। और हमारे हिंदू सनातन आस्था का केंद्र त्रिपति बालाजी के ऊपर जो जो लोग बैठ करके कुर्सी चेयर पर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग, और ये जांच ट्रस्ट में भी होना चाहिए, मंदिर के केवल प्रसाद पर ही नहीं है। जी। बहुत सारा पता है, अगर वहां पर हम लोग धर्म संसद का एक बहुत बड़ा आयोजन होना चाहिए, साधु संतों का होना चाहिए, और इस पे बड़ी चर्चा होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा बड़ी चर्चा की जरूरत है। षड्यंत्र हो रहा है। जी, बड़ी चर्चा की जरूरत है, और इस बात को लेकर 2023 में भी काफी हंगामा हुआ था कि कोई गैर हिंदू कैसे इतने बड़े ट्रस्ट का ट्रस्टी बन सकता है, क्योंकि जो आस्था का केंद्र है लोगों के, वहाँ पे हिंदू या फिर कोई उच्च ऐसा महंत होना चाहिए ट्रस्टी, लेकिन वहाँ पे गैर हिंदू को बनाया गया ट्रस्टी, और अब ये इतना बड़ा खुलासा हुआ जिसके बाद लोग हैरान है। वेदमूर्ति नंद जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, गैर हिंदू को ट्रस्टी बनाया गया है, इसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए भविष्य में कि दोबारा ऐसा कोई मामला संज्ञान में ना आए? आपके चैनल के माध्यम से बहुत सुनिश्चित, और इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस बोर्ड में। जी
षड्यंत्र की षड्यंत्र का खुलासा तो हो गया है वेद मूर्ति नंद जी, लेकिन अगर बात करी जाए इसकी रोकथाम की, रोकथाम कैसे लगेगी? क्योंकि जहां पर लोग अपने दुख संकट भूल कर आते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर जिस ईश्वर के पास आते हैं, वो ईश्वर ही चले जा रहे हैं, उनके भोग में मिलावट करी गई है। इस महापाप के लिए कौन जिम्मेदार है और इन्हें सजा कैसे मिलेगी? ये जिम्मेदार कोई और नहीं, वहां की प्रशासन और वहां के ट्रस्टी लोग हैं। वहां का जो मुख्य ट्रस्टी है वो कोई सनातनी हिंदू नहीं है, वो ईसाई है जी। और उसके द्वारा वहां पे सारा संचालन हो रहा है। सबसे बड़ा दोषी वहां का ट्रस्टी जो अध्यक्ष है वो है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर ये प्रहार है जी। और आपको पता है तिरुपति बालाजी का लड्डू जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो वहां से प्रसाद आया था 100 किलो जी। और ये षड्यंत्र आज से नहीं, ये प्रसाद जिहाद है। और सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, आज जो सरकार वहां पे आई है, अगर ये सरकार नहीं आती तो हिंदुओं अब भी जो है उसी तरह का प्रसाद का भक्षण करता। लेकिन वहां के ट्रस्टी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, सिर्फ वहां का पैसे खा रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के द्वारा, चर्च के द्वारा एक फूटी कौड़ी सरकार को नहीं मिलती, मदरसे से 1 रुपया सरकार को नहीं मिलती, दरगाह से 1 रुपया सरकार को नहीं मिलती, या गुरुद्वारे से 1 रुपया सरकार को नहीं मिलती। लेकिन हमारे लाखों ऐसे मठ मंदिर हैं वहां पे सरकार अधिग्रहण करके और वहां से पैसा इकट्ठा करती है और सब लोगों में बांटती है। अभी हमारे महाराज जी मदन गोपाल दास जी ने कहा कि ये पैसा जो हमारा हिंदुओं का चढ़ाया हुआ 1-1 रुपया है, वो खर्च किसके ऊपर किया जा रहा है? उन ईसाइयों के ऊपर, उन सारे लोगों के ऊपर। और विशेष करके जो जगन मोहन रेड्डी है वो कौन सी विचारधारा से ओतप्रोत है, वो कौन से धर्म से है? वो ईसाई धर्म से है। और उसी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण वहां पे ट्रस्टी को ईसाई ट्रस्टी को बनाया गया, ना कि कोई सनातनी को, ना कोई संत को। एक संत ही समझ सकता है ना कि भगवान को क्या भोग लगाएं, क्या नहीं लगाएं। इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह का कुचक्र तिरुपति में ही नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष में हो रही है। आज पूजा के घी के नाम पर क्या मिल रहा है? आज जितने आपके घर में हवन हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, उसमें कौन सा घी आ रहा है? वही घी आ रहा है, चर्बी वाला घी आ रहा है, जिसमें गौ का मांस है, जिसमें मछलियों का तेल है। इस तरह के चीजों के ऊपर संतों को आवाहन करते हैं कि सभी संत एकत्रित होकर के इसके ऊपर धर्म संसद बुलाएं। और जितने हमारे मठ मंदिर हैं और जिन मठ मंदिरों में कोई ईसाई बना हुआ है, कोई मुसलमान बना हुआ है, कोई बौद्ध बना हुआ है, उन लोगों को हटा करके और सारे बोर्ड को हटा करके एक बोर्ड का निर्माण हो जो सनातन बोर्ड हो। और वह सनातन जिस तरह वक्फ बोर्ड बनाया गया उसी तरह सनातन बोर्ड बने, और सनातन बोर्ड जो है सारे मठ मंदिरों की रक्षा, सारे मठ मंदिरों की सुरक्षा, और सारे मठ मंदिरों में कौन सा प्रसाद लगाया जाएगा, किस तरह का लगाया जाएगा, तभी जाकर के इस तरह का कुचक्र रुक सकता है। नहीं तो इस तरह के जो बोर्ड है उसमें ईसाई लोग अगर अध्यक्ष रहेंगे तो ऐसे ही हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा और दूसरा कुछ नहीं है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठा गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठा कमलाकांता, त्रैलोक्या मंगलम गुरु। प्रसाद हमारे यहाँ कितना बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणां सुमुखो भूत्वा प्रसिद्धा परमेश्वरा। और उस प्रसाद के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, मानो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो बरसों से जिसने लहसुन प्याज तक नहीं खाया है और वो प्रसाद खा करके उनको भ्रष्ट कर दिया, ऐसे लोगों को चौक पर खड़ा करके और उनको फांसी देना चाहिए, तभी जाकर के इस तरह का चीज रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुक सकता। इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जी। डॉक्टर मदन गोपाल दास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। महंत जी, हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि पूर्व में पथमेड़ा वाले महाराज जी हैं, गुरु दत्त शरणानंद जी, उन्होंने वहां पर एक कार्यक्रम किया था। वो हर तीर्थ में एक कार्यक्रम करते हैं बड़ा, तो एक तिरुपति बालाजी में आयोजन किया था जिसमें उन्होंने बोर्ड से यही मांग मांगी थी, टीटीडी बोर्ड से निवेदन किया था कि यहाँ पर शुद्ध बालाजी के लड्डू या जो भी प्रसाद बने
वो शुद्ध गाय के घी से बने, वेद लक्षणा गाय के घी से बने, और जितना भी घी लगेगा मैं अपने पथमेड़ा की गौशाला से प्रयास करूंगा कि आपको जितनी मात्रा में घी चाहिए मैं दूंगा, अगर मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं होगा तो मैं अन्य गौशालाओं से उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मेरे बालाजी का एक पुंगनूर ग्राम है वहाँ पे जहाँ पे पुंगनूर गाय पाई जाती है, उन्हीं का दूध उन्हीं का घी तिरुपति बालाजी को भोग लगाया जाता था, लेकिन इन ईसाइयों अध्यक्ष होने के कारण ये परंपरा धूमिल होती जा रही है और ये परंपरा नष्ट हो गई। इसी कारण इस बार ऐसा हुआ है, इसीलिए हम सबको एकत्रित होकर के, आपने ठीक कहा, तिरुपति बालाजी में एक धर्म संसद हो तभी जाकर के ये सब जो पे लगाम लगेगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे सरकार की वजह से, सरकार का एक वहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोल रहता है जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रस्ट के अध्यक्ष को चुना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ईसाई ट्रस्टी की एंट्री हुई है, तो आप लोग को क्या लगता है, क्या मंदिरों से सरकार का नियंत्रण खत्म होना चाहिए? आप सभी की क्या राय है? गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, तत्काल ईसाई ट्रस्टी को हटा करके और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो जी। बोर्ड में जितने भी मेंबर ट्रस्टी ईसाई बने हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने मंदिर प्रबंधन में क्या ये गड़बड़ी पाई गई है, ये उन्हीं का षड्यंत्र है एक प्रकार से। पहले तो ट्रस्टी बने हैं कि वहाँ की मान मर्यादा और वहाँ का जो नियम है उसका भी पालन होगा, और पहाड़ के ऊपर जितना भी निर्माण चल रहा है टीटीडी बोर्ड के द्वारा हो रहा है, वहाँ के प्राकृतिक संरचना को वो छिन्न भिन्न कर रहे हैं, मन उनका, क्योंकि उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, वो जहाँ चाहते हैं वहाँ झरने पर्वत इत्यादि जो भी सौंदर्य वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका भी वो क्षरण करते हैं, छिन्न भिन्न करते हैं, क्योंकि वह भगवान के द्वारा बनाई हुई संरचना है, उसमें हमको किसी को पावर नहीं है कि उससे छेड़खानी करें, लेकिन उस संरचना को भी ये छेड़खानी करते हैं, भवन बिल्डिंगें बना रहे हैं अत्याधुनिक, वो उसको बना रहे हैं, जो ऊपर व्यवस्था केवल भगवान की ही निवास, वो तो साकेत है भगवान का। बिल्कुल, और हमारे साथ अब महंत दिव्यगिरी जी भी जुड़ चुकी हैं। मंदिर से भी बड़ी वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं वो लोग, बिल्कुल, और पूर्ण रूप से व्यवसाय करते हैं जी। उससे जो धन अर्जित होता है वो ईसाई मिशनरियों में जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ महंत दिव्यागिरी जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ की महंत हैं। दिव्यागिरी जी, ये जो मामला संज्ञान में आया है, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार पूर्व सरकार को बताया जा रहा है, जो कि वहां की पूर्व सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर एक गैर हिंदू को ट्रस्टी बनाया गया, जिसकी वजह से अब ये सब चीजें अब उजागर हुई है कि जो भी वहां पे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो चिंता का विषय है ही जी। मगर प्रथम दृष्टया जब ये बार बार हम लोग इस चीज को सुन कह रहे हैं और सारे पूर्व के वक्ताओं ने भी इस पे चिंता व्यक्त करी है, पूरे हिंदू समाज को इस बात की चिंता है, मुझे लगता है हम लोगों का कई बार धर्म भ्रष्ट हुआ होगा, हमारे पूर्वजों का भी हुआ होगा, क्योंकि 300 साल से वो लड्डू वहां बन रहा था और सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न ये है कि जिनका धर्म भ्रष्ट हो चुका है वो कैसे और किस तरह वापस हो सकता है? पहला बिंदु, वापस तभी हो सकता है या तो जो ट्रस्ट है वो तो खैर भंग तुरंत किया जाए, सरकार का विरोध होना चाहिए, और वहां से यहां से भी एक पूरे संतों का हम लोग इस विचार विमर्श में लगे हैं कि पूरा एक दिन के लिए लखनऊ भी बंद हो, तब वो जाके कुछ सचेत होंगे कि इस तरह की घटनाओं का जो पूर्व में हो चुकी है अब आगे भविष्य में दोहराई ना जा सके। और मेरा तो यही मानना है, मुझे लगता है सारे संतों का भी एक ही मत होगा ये, कि जिन जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, प्रथम बात। दूसरी कि प्रसाद वहां आसपास या मंदिर का जो भी है टोटल बंद हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है सारे प्रसादारियों को मंदिरों के बाहर के जो उनको सबको विरोध में आना चाहिए, सब प्रसाद बंद हो, मंदिरों की एक जो है घोषणा हो जाए, वहां से एक पत्र जारी हो जाए कि अब प्रसाद हर मंदिरों में, कोई भी बाहर से नहीं आएगा, जो भी व्यक्ति जो भी भक्त जो भी दर्शनार्थी आए वो खुद से बना हुआ घर का प्रसाद लाए, तब कोई भी विग्रह हो किसी भी देवता का विग्रह वहां पे लगे, जब इस तरह की रोकथाम होगी तभी इस तरह की घटनाओं को विराम मिल सकता है।
जी, सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है इस पूरे मामले में, तो क्या लगता है क्या सरकार का नियंत्रण खत्म होना चाहिए मंदिरों से? क्योंकि अभी वेदमूर्ति नंद सरस्वती जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो पैसे होते हैं वो मंदिरों से सरकारों के पास जाते, किसी और धर्म स्थान से नहीं जाते हैं। संत जो है वो नियंत्रण रखें, तभी जा करके हमारे मठ मंदिर बचेंगे, तभी उसका जो है जो मूल जो वहाँ की भावना है हिंदुओं का वो बचेगा, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। इसी तरह कहीं कहीं ईसाई बन जाएंगे, कहीं मुसलमान बन जाएंगे, वो कहाँ से हमारी धर्म की संस्कृति को बचा पाएंगे? जी, इसलिए तत्काल जो है सनातन का नियंत्रण खत्म हो, और सिर्फ तिरुपति बालाजी से नहीं, लाखों मंदिर है जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, सभी मंदिरों से दे रही है, वो पैसा हमारे हिंदुओं के ऊपर खर्च हो। हमारे भी गरीब है, असहाय है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, आदिवासी है, वो पैसा से गुरुकुल खुले, वो पैसा से हमारी आदिवासी के पास जाए, जो वंचित लोग है उससे खर्चो, ना कि ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। हमारा धर्म का दिया हुआ पैसा, हिंदुओं का दिया हुआ पैसा आज सबके ऊपर खर्च हो रहा है, ये कहां तक सही है? ये तत्काल बंद होना चाहिए, और सनातन बोर्ड इसका सबका निरीक्षण करे और संत उसमें अध्यक्ष बने, तभी जाकर के इस तरह का चीजें बच सकती है, अन्यथा हिंदू धर्म इसी तरह जो है लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, और इसी तरह हमारे प्रसाद में गाय का मांस चर्बी मिला करके हिंदुओं को भ्रष्ट करते रहेंगे। देखिए, एक सवाल तो ये भी है, कठोर कार्रवाई हो, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, और इनके ऊपर से सरकारी नियंत्रण खत्म हो मठ मंदिर के ऊपर से, और बोर्ड जो टीटीटी बोर्ड में ईसाई लोग घुसे हुए हैं इनको दूर किया जाए, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, और एक धर्म संसद में नियम पारित होना चाहिए, जो कि अभी हमारे महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति जी ने कहा है, उस बात से हम सहमत हैं, सारे संत सहमत हैं। जी ठीक है, धर्मेंद्र दास जी, ये जो मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो इसके बाद जांच की मांग हो रही है, लेकिन अगर बात करें हमारी आस्था की, तो भारत के जो मंदिर है उनका प्रबंधन सनातन धर्म के तहत होना चाहिए, इस बात को तो आप सभी ने माना है, लेकिन सनातन को बचाने का जिम्मा हमारे अखाड़ों पर है, क्या उनको आगे आकर मुखर होना चाहिए और अब इन मुद्दों को उठाना चाहिए? नहीं, अखाड़े अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। जी, अखाड़े जो है पूरी तरीके से, हमारे 13 अखाड़े हैं, बड़ी संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी खोल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सरकार का नियंत्रण आ गया, जहाँ पर एक अलग बोर्ड गठित हो गया, आप दक्षिण भारत में विश्वास करिए, ज्यादातर मंदिरों में ईसाइयों का बोलबाला। जी धर्मेंद्र जी, हेलो जी, आप सनातन धर्म के जहाँ तक मठ मंदिर, आप तमिलनाडु लीजिए, आंध्रा लीजिए, तेलंगाना लीजिए, आप जितने भी उधर दक्षिण साइड में इस तरीके से मठ मंदिर है, अभी हमारे कई वहाँ के मंदिरों के प्रमुख पुजारी, कई वकील, कई लोगों ने PIL दाखिल किया, जगन्नाथ टेम्पल में भी इस तरीके से कुछ प्रबंधन आई, उससे भी सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है जी। तो आप देखिए कि मंदिरों के अंदर जहाँ पर ये सरकारों का घुसा हुआ नियंत्रण है, जहाँ पर कई धर्मी आकर के उसमें एंट्री ले लिए, वहाँ पे इस तरीके से अव्यवस्था फैली है। आप हमारे अखाड़ों से नियंत्रित होने वाले मठ मंदिरों में जाइए, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, साधु संत जहाँ उपस्थित है वहाँ कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं है, सब मठ मंदिर ठीक ठाक चल रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, मंगला से लेकर के सहनाती तक सारे विधि विधान से पूजन हो रहे हैं, पूजा पाठ वहाँ भी ठीक हो रही है, लेकिन जहाँ तक ये मिलावट किया गया, जानबूझ कर किया गया कृत्य है, और ऐसे अभी कई मंदिरों के जांच होने चाहिए। वहाँ पर तमिलनाडु में अभी जो है, हमारे आंध्रा में, हमारे तेलंगाना में, इन सब स्टेट्स में एक कमेटी गृह मंत्रालय द्वारा बनाई जाए, भारत सरकार इस पे कमेटी गठित करके CBI अथवा SIT बना करके जांच कराए, अभी बहुत बड़ा खड्यंत्र निकलेगा, ये बहुत बड़ा खड्यंत्र चल रहा है मठ मंदिरों के खिलाफ, आप नहीं समझ रहे हैं, सनातन धर्म को टुकड़ों में बांटने का, जातियों में बांटने का, एक तरीके से ये जिहाद का काम हो रहा है, ये ईसाई मिशनरी बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए। आप, हम लोग लखनऊ में है, देख रहे हैं कि यहाँ विद्यालयों में कहीं ईरान का वहाबी धर्म,
ईसाइयों में बच्चों के संस्कार में आप उदाहरण लीजिए, 25 दिसंबर से लेके 1 वीक शहीदी दिवस आदि होता है गुरु गोविंद सिंह साहब के लड़कों का, जो हम लोग सनातनी सिख परंपरा में उदासी परंपरा में हम लोग एक तरीके से पूजन पाठ करते हैं, वहाँ जो है ईसाई चर्चों में बच्चों को ले जाकर के क्या संस्कार आप देते हैं। अगर बच्चा ईसाई मिशन में स्कूलों में पढ़ने जाता है तो आप उसको अपने उस धर्म विशेष से जोड़ेंगे, यानी यदि बच्चा या वहाँ का कोई गार्जियन जुड़ता है उसकी फीस माफ होती है, सनातन परंपरा के मानने वाले लोगों के फीस 2 गुना कर दी जाती है। ये कुरुक्त जब लखनऊ, यूपी, बिहार, आप झारखंड, आज कई ऐसे स्टेट्स हैं, आप चले जाए सेवन सिस्टर्स में, चाहे सिक्किम हो, चाहे आपका हमारा गुवाहाटी क्षेत्रीय असम आदि हो, देखिए कितनी तरीके से हमारे लैंड पे पहाड़ के पहाड़ ईसाई परम में चले गए, इस्लाम में चले गए। आप मानिए ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है मंदिरों के साथ। जब मठ मंदिर का विनाश हो जाएगा तो इनकी जो कृत्य है ये कहीं ना कहीं कामयाब होगी। इसका ये पहला चरण है जो प्रसादों में मिलावट, वहाँ के भंडारे के अन्न में मिलावट और वहाँ के पूजन आदि में भी मिलावट पहुँच गया होगा। शायद हम तिरुपति बालाजी को बहुत पवित्र और गर्भगृह में कोई नहीं जा सकता था, वहाँ के ये जितने अध्यक्ष हैं इस बोर्ड के, इनको तत्काल इस्तीफा दे करके नया बोर्ड बने, सरकार सुनिश्चित करे कि वहाँ के आसपास सनातन परंपरा के मानने वाले संत, वहाँ के महंत और जो वो मठ हमारा वहाँ पे श्रीराम मठ है उसका भी संरक्षण पूर्वक बहाल किया जाए। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, ये उजागर भले ही तिरुपति बालाजी से हुआ हो कि वहाँ के प्रसाद में मिलावट हो रही है, लेकिन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और खासतौर से जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं उस वक्त तो ऐसी खबरें ज्यादा आती है। महंत शुभम गिरी जी, मेरा सवाल आपसे, आप हरिद्वार से हैं, हरिद्वार से भी कई मिलावट की खबरें सामने आती रहती है, तो अब क्या आप लोग ऐसी मांग करेंगे कि जितने भी मंदिर हैं सभी जगह के प्रसाद की एक ना एक बार जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि त्योहार आते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं जितने भी मिठाइयां होती है या फिर उपवास का सामान होता है, लोग कोटू का आटा खाते हैं और दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं, तो तमाम चीजों में मिलावट होती है, तो क्या एक बार आप मांग नहीं करेंगे कि तमाम चीजों की, खास तौर से तमाम मंदिरों के प्रसादों की जांच हो? देखिए शिका, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, 2022 में जब नवरात्रि आई थी तो वो कुट्टू के आटे के आटे में मिलावट पाई गई, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, मिलावट पाई गई, तमाम हरिद्वार में जिला अस्पताल में तमाम मरीज मिले गए जो व्रत रखे हुए, कईयों की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद जो मिलावट का बात है, जैसे हमने संत समाज ने महाजनवाणी के सचिव और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि दक्ष मंदिर में ड्रेस कोड लागू होगा, तो ड्रेस कोड लागू हुआ तो सारे मंदिरों ने उसका स्वागत किया। तो हमें भी कहना चाहते हैं, मिलावट जिस तरह से घी में पाई जा रही है, शायद भी मिलावटी आ रहा है, उस तरह से हम उसके ऊपर एकाग्रित हम सब संत समाज है, क्योंकि महंत दिव्यागिरी जी हमारे अखाड़े से है और महामंडलेश हमारे अखाड़े से है, मनोकामनेश्वर की मठ की मंदिर की महंत है और माता जी को भी मेरा प्रणाम, और बेदा मूर्ति नंद जी भी है और साथ में तमाम संत बैठे हैं, तो हम संत समाज सब एक है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हम सब एक हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही है, हरिद्वार में भी मठ मंदिर कब्जाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि तमाम केस हमारे साधु समाज लड़ रहा है, क्योंकि अभी भी थोड़े दिन पूर्व कई नेता ने हमारे एक आश्रम को खुर्द बुर्द कर कर उस संपत्ति को बेचा, तो इसके लिए सरकार को भी कठोर कानून बनाना चाहिए। हम तो सरकार से ये भी मांग करते हैं, क्योंकि सरकार राम भक्तों की सरकार है, किसी संत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि संतों को तो आज तक भारत रत्न नहीं मिला। लेकिन बात है तिरुपति मंदिर की, इस तरह से मिलावट जो कल आई है, जब हमने समाचार 2 बजे दोपहर में सुना तो मेरा मन बहुत आहत हुआ, मेरे मन में बहुत ठेस पहुंची, तो मैंने तमाम संतों से बात की और संत समाज जल्दी एक बैठक बुलाएगा और जल्दी एक बैठक में प्रस्ताव पारित करेंगे, हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंत्रियों से मिलेंगे, उनको एक ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति महोदय, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री,
माननीय प्रधानमंत्री सबको भेजा जाए, क्योंकि मिलावट तो आपने कुछ समय पूर्व देखा, केदारनाथ सोने की मिलावट भी हुई थी और यमुनोत्री गंगोत्री में जब देव स्थानम बोर्ड मनाया था सबसे पहले विरोध हमने किया था देव स्थानम बोर्ड का और तत्काल पुष्कर सिंह धामी जी को बोर्ड भंग करना पड़ा। लेकिन मिलावट की बात आती है, जैसे पर्व आते हैं, जैसे दीपावली में कई बार खोए में मिलावट पाई जाती है, तो मैंने आज विज्ञान के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से जिस तरह से केमिकल की दवाई आ रही है इसमें भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इस केमिकल के माध्यम से भी फैट आ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि जो एनिमल फैट आ रहा है, जो फॉर्मिक फैट आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? क्योंकि तिरुपति बालाजी का जो ट्रस्ट है उनको अगर अपनी गौशाला खोलकर वहां पर गाय का देसी घी उत्पाद करे तो वो लड्डू बना सकते हैं जी। तो ये जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है गोपाल दास जी, ये भ्रष्टाचार राजनीति से अब जो हमारे मंदिरों तक पहुंच गया है, मंदिरों को अशुद्ध करा जा रहा है, तो इसकी रोकथाम तो जरूरी है, लेकिन अब जो भक्त चले गए हैं उनको किस तरह का विश्वास दिलाएंगे कि वो अभी भी मंदिरों में उस पवित्रता के साथ जा सकते हैं, उसी आस्था के साथ जा सकते हैं, उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा? ये विकृति सरकारों के नियंत्रण के कारण आ रही है, क्योंकि सरकारों में जो लोग हैं वो हमारे धर्म को खंडित करने के लिए या जो व्यवस्था मंदिर की बनी है उसको खंडित करने के लिए उनके पास षड्यंत्र है, खड़यंत्र है, इंटरनेशनल है। इसीलिए हम सारे लोग, चाहे हिंदू सनातनी हो, चाहे हमारे साधु संत हो, चाहे अखाड़ा हो, इसके लिए विशेष महाकुंभ में चर्चा होगी जी। अभी महाकुंभ प्रयाग की धरती पर लगने वाला है, ये चर्चा का विषय पूरे देश में है और इस पर गंभीरता से चर्चा होगी और एक मत एक निर्णय होगा जी। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि हमारे जितने भी हिंदू सनातनी मठ मंदिर हैं पूरे देश में जी, इंटरनेशनल सीमा पर भी हैं, उनके लिए भी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, कहीं पर भी है, हम सारे सभी के संरक्षण की बात करेंगे। सरकारी नियंत्रण दूर होना चाहिए और प्रसाद की व्यवस्था है उससे कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि प्रसाद हमारे ठाकुर जी की ऐसी परम पवित्र चीज है कि जिसको ठाकुर जी पाते हैं उसी को हम सारे लोग ग्रहण करते हैं, उसमें पवित्रता से, उसकी शुद्धि से कोई भी समझौता नहीं चलेगा। और जो भी अशुद्धि हुई है प्रसाद में उसको लेकर के भी कड़ा कानून बनाया जाए, जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं कठोर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, आगे भविष्य में कोई भी ऐसा आगे कदम ना उठाए, ना इस विषय में कोई सोचे। रही बात जो अभी चर्चा का विषय हो रहा है कि हमारे दक्षिण में और सारे जगह पर जो हमारी परंपराएं थी वो परंपराएं खंडित होती चली जा रही हैं, उनका कारण यही है कि वहां से जो साधु संत लोग थे, जो हमारी परंपरा थी उसको खंडित कर दिया, धीरे धीरे वहां से हटा दिया। जैसे कि हमारे हाथीराम मठ बगल में बना हुआ था, अर्जुन दास जी महाराज वहां महंत थे, उनकी सारी जगह धीरे धीरे टीटी बोर्ड ने तोड़ दिए, मंदिर का बहुतायत हिस्सा तोड़ दिया है और धीरे धीरे उनको भी खाली करके नीचे जाने को बोला है। तो आज आप देखो कि जहां पर प्रसाद की प्रथम थाली, प्रथम भोग हाथीराम मठ से जाता हो और उस मठ को ही तोड़ दिया हो, उस मठ को ही हानि पहुंचाई हो, क्यों? क्योंकि वहां से परंपरा समाप्त हो जाए साधु संतों की, और जब साधु संत वहां से चले जाएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है, तो जो टीटी बुट्टी बोर्ड नियम लागू करेगा वो होगा, वो चाहे प्रसाद की अशुद्धि का हो, चाहे मंदिर का पूजा पूजन का हो, चाहे ठाकुर जी के गर्भगृह की कोई भी शुभ सेवा पूजा हो, वो सब प्रभावित करेंगे। जैसे वहाँ कोई वीआईपी जाता है तो चेयरमैन या ट्रस्टी वहाँ दर्शन कराने के लिए सीधे बीच का मंदिर का पट खुल जाता है, बीच का हिस्सा खुल जाता है, हमारे हिंदू सनातनी लाइन में लगे रहते हैं और क्योंकि बोर्ड का नियंत्रण है और गेट बंद हो जाता है। बिल्कुल, यानी सबके लिए समान दर्शन होने चाहिए, कोई वीआईपी आए, वीवीआईपी आए, किसी से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है महंत दिव्यागिरी जी, हम जिस गौ माता की पूजा करते हैं उनकी चर्बी, इसे सुनकर भी हमारी रूह कांप जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने घर में एक गौ बच्चे को लेकर आते हैं उसकी पूजा करने के लिए, और दूसरी तरफ इतना बड़ा मामला सामने आता है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है, ऐसे में सरकार से क्या मांग करेंगी आप? हम तो सीधे सीधे पूरे संत समाज की तरफ से ये बात रखते हैं कि जो पूर्व में हुआ है, जिनका धर्म भ्रष्ट हुआ है,
उनके लिए यही है एक संतावना कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनकी मृत्युदंड की हम लोग मांग करते हैं, पहला जी। दूसरा, जो भी खाद्य सामग्री है, खाद्य विभाग हर प्रसाद की जांच करे, समय समय पे मंदिर के प्रसादों की जांच होनी चाहिए, ऐसा कोई कठोर नियम बनाए। तीसरा, अगर ये संभव ना हो पाए क्योंकि पर्व त्योहार हो या कोई भी ऐसा ओकेजन हो जाए जो हिंदू धर्म से संबंधित है, मिलावट तो होनी ही है, हर बार तय होता है क्योंकि इतनी मात्रा होती है कि मिलावट तो लोग करेंगे ही करेंगे किंचित लाभ के लिए। मगर जब लाभ इस तरह का आ जाए, भगवान के प्रसाद के रूप में आस्था पे आघात आ जाए, तो जांच तो बनती है, ठीक। तो इसमें बहुत बड़े और कठोर कानून की आवश्यकता पड़ेगी, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको सचेत होना पड़ेगा, सब लोगों को बैठ के एक मत होना पड़ेगा, भगवान का प्रसाद कम से कम बाहर ना जाए, अगर घर से जो लोग लाए वही भोग लगे पहले। दूसरा कि जो खाद्य सामग्रियां हैं, जैसे आप कोई शादी ब्याह देख लिया, मंदिर का भंडारा आप देख लिया, किसी जो आपका दूध वाला है अगर वो एक लीटर दूध ला रहा है, घर पे भी आप देखें या मंदिर पे भी देखें आश्रम का, उससे आपका कहती हमारा कल भंडारा है हमको 50 लीटर दूध चाहिए, वो तो कभी मना नहीं करता है कि हमारे पास दुग्ध का अभाव है या ये मात्रा कम है, यानी वो हमारी गौवंश की संख्या कम हो रही है, उनका वंश नहीं चल पा रहा है, या जितनी संख्या है बिल्कुल सीमित है, मगर दूध आपको पूरे समाज में उपलब्ध है, कहाँ से आ रहा है इतना दूध, ये सब जांच का विषय है, सारा कुछ नकली है, हम आधे से ज्यादा सामान नकली खाते हैं, ये तो कहिए एक वाक्य सामने आ गया है, परंतु बीच बीच में आप करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये भी सोचना चाहिए था, आखिर कैसे किसी को आभास नहीं हुआ कि 1000 रुपए किलो गाय का शुद्ध देसी घी आ रहा है, और कैसे कोई 350 रुपए में मुहैया करा रहा है, क्या इसमें कुछ गोलमोल है या फिर क्या इसमें कोई षड्यंत्र है, इस बारे में किसी ने सोचा क्यों नहीं, कैसे पता नहीं चल पाया। कहीं पे भी आप जाएंगे आप इस षड्यंत्र को पाएंगे कि ये षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि आदमी कम में खरीदना चाहता है, तो आपको शुद्धता के साथ में भोज्य पदार्थ या घी है अन्य चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक। तो सरकार को चाहिए कि बीच बीच में प्रसाद की जांच करता रहे, खाद्य विभाग को थोड़ा सचेत होना पड़ेगा कि वो बीच बीच में जाए, उसके टेस्टिंग करे, उसके सैंपल्स ले, और जो भी गलत उसके प्रति उसकी कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमें तो लगता है क्योंकि एक मंदिर की जो है कार्यभार को संभालते हुए मुझे लगता है कि बाहर का प्रसाद नहीं लाना चाहिए, विग्रह को भोग बाहर के प्रसाद का नहीं लगना चाहिए, जो लोग घर से लाएं वो अपना लगाएं, और मंदिर को भी चाहिए कि बाहर से ना मंगाएं, जो मंदिर में आश्रम में तैयार हो उसी को भोग समर्पित करना चाहिए विग्रह पे। जी वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपसे कर रही हूँ कि क्या इस मामले के सामने आने के बाद, इतनी बड़ी घटना के उजागर होने के बाद, आपको नहीं लग रहा कि हमारे पास भी कोई ईश निंदा जैसा कानून होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कहा गया है, आहारे व्यवहारे तक्त लग्जाम सुखीम भवे, जो स्वयं खाया जाए वो भोजन होता है, जो बांट के खाया जाए वो प्रसाद होता है। ये तभी सब नियंत्रण हो पाएगा जब अच्छे, जिसका काम उसी को साजे। संत लोग ही जानते हैं, ब्राह्मण लोग ही जानते हैं कि किस तरह भगवान का प्रसाद लगेगा, क्या उसमें शुद्धता रखनी है, क्या चीज डालनी है, क्या चीज नहीं डालनी है। ये तभी हो पाएगा ना जब उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, जिसको पाया उसको अध्यक्ष बना दिया, जिसको पाया उसको महासचिव बना दिया, तो कैसे उन शुद्धता का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये सरकारी नियंत्रण खत्म हो सारे मठ मंदिरों का, और सारे मठ मंदिरों में जितना चढ़ावा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन बोर्ड को दिया जाए, और सनातन बोर्ड जो है वो सिर्फ जो है जितना पैसा हिंदुओं का दिया हुआ है वो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर खर्च करे। जैसे कि आपके चर्च में जो पैसा आ रहा है, जो मस्जिदों से आ रहा है, या गुरुद्वारे का पैसा गुरुद्वारे में खर्च होता है, जो चर्च का पैसा आता है वो चर्च में खर्च होता है, जो मस्जिदों का पैसा आ रहा है वो मस्जिदों में खर्च होता है, लेकिन हिंदुओं का मठ मंदिरों का पैसा सरकार लेती है और वो सब लोगों में खर्च होता है। इसलिए सबसे पहले सरकारी नियंत्रण खत्म हो, संतों के हाथ में ये व्यवस्था आए,
तभी जाकर के ये सब चीजें रुकेगी, नहीं तो दिन प्रतिदिन ये सब चीजें बढ़ती जाएगी। और ये तिरुपति जी का ही मामला नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है घी के नाम पर। आज 200-250 रुपए किलो कौन सा घी मिलेगा आपको? आप जाकर के देखेंगे, छापा मारिए, ये सरकार का काम है। आप जितने दुकान में जाएंगे, आप जैसी कहेंगे पूजा वाला घी चाहिए हमें, तो आपको 250 रुपए किलो वाला घी दे देगा। आप उससे अपने घर में हवन कर रहे हैं, अभी नवरात्रि आ रही है, वही चर्बी का जो है, गाय की चर्बी का घी लाएंगे घर में और उससे देवी को प्रसन्न करेंगे। इसलिए तत्काल सिर्फ तिरुपति ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस तरह की चीजों पर बैन होना चाहिए, तभी जाकर के सनातन धर्म की शुद्धता बचेगी। जी शुभम गिरी जी, जिस तरह का ये मामला भी सामने आया है, अभी तो देश में जो तमाम मंदिर हैं उनके प्रसाद की जांच में बहुत समय है, लेकिन क्या तब तक नहीं लगता कि प्रसाद कल्चर पर रोक लगनी चाहिए? तब तक सिर्फ फूल माला लेकर जाए, प्रभु के दर्शन करें और आ जाए और प्रसाद ना लिया जाए? मैं लेता हूँ प्रसाद, तो जैसे लोग लेते हैं, कई लोगों को प्रसाद से फूल मालाओं से रोजगार भी मिलता है। जैसे महंत दिव्य गिरी जी महाराज है, उन्हें मालूम है कि उनके मनोकामनेश्वर जो मंदिर है लखनऊ में, वहां पर कई लोग फूल माला की दुकान भी बाहर लगी है, कोई प्रसाद भी ले जाता है, कोई दूध भी ले जाता है। मैं माता जी की बात से भी सहमत हूँ, मैं वेदामूर्ति नंद जी महाराज जी की बात से भी सहमत हूँ और तमाम संतों की बात से सहमत हूँ। तो हमें अभी तक जब भी तिरुपति दर्शन करने हैं तो फूल माला लेकर जाए, सरकार को तत्काल वहां पर देखना चाहिए किस तरह से वहां पर जो चर्बी मिलाई गई है, फैट मिलाया गया है, वो फैट को निरस्त करना चाहिए। कब का ये मामला है, कब कौन कौन इसमें दोषी है? तो 5 साल पूर्व जो चंदन मोहन रेड्डी जी की सरकार रही, उनके रिश्तेदार इस समिति में रहे, उनको क्या ज्ञान होगा? महाराज जी ने ठीक कहा, किसी संत को कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं दिया जाता। अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, मैं ये कहना चाहता हूँ वहां पर भी भाजपा ने अपने ही व्यक्ति बैठा रखे। कोई हरिद्वार से संत लिया, हरिद्वार में एक से संत है, सारा अखाड़ा हरिद्वार से चलता है, हरिद्वार कुंभ नगरी भी है, हरिद्वार साथ में प्रयागराज भी कुंभ नगरी है, तो बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है प्रयागराज तक आता है जोशीमठ का क्षेत्र, क्या वहाँ हरिद्वार के संत को लिया? नहीं लिया। हमें सभी मंदिर में जितने भी मंदिर है, जैसे काशी विश्वनाथ जूना अखाड़े के पास था, महाकाल मंदिर महानिर्वाणी के पास है, आप नीलकंठ मंदिर में देख लीजिए कितनी व्यवस्था नीलकंठ मंदिर प्रशासन ने कर रखी है, कितनी व्यवस्था गंगोत्री धाम के मंदिर में कर रखी है, यमुनोत्री धाम में सरकार ने कुछ वो किया, वहां पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, रास्ते टूटे हुए हैं, घाट बनाने के लिए अभी तक पैसा नहीं दिया गया है, बहुत चीजों में हमें सोचना पड़ेगा। जो इस तरह से भ्रष्टाचार मंदिरों में हो रहा है, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि फूल माला ले जाए, उसको भी फूल को भी धोके ले जाए। जिस तरह से खाद्य पदार्थ यहाँ पर फूलों में छिड़के जा रहे हैं, गाय को केमिकल दिया जा रहा है, उसमें भी रोकथाम लगने चाहिए, शुद्ध बनने चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से गौ माता का भी संरक्षण हो, गौशाला का भी निर्माण हो। और जो घी है तिरुपति बोर्ड से ही मेरी आग्रह है, पहले तो कमेटी निरस्त करे, तिरुपति बोर्ड एक गौशाला का निर्माण करे और कम से कम नहीं तो गौशाला बनाए, वहां पर प्रत्येक गौ घी निकले तो उसी घी से वो प्रयोग करे और इसे लड्डू बनाए, प्रचार बनाए। जी मदन गोपाल दास जी, कभी थूकी हुई रोटी तो कभी पेशाब का जूस, कभी आस्था से खिलवाड़, कभी मीट वाला मछली के तेल वाला प्रसाद, हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर हमारा हिंदुज्म पर कोई कानून नहीं बनाया गया, मेरी यही सबसे आग्रह प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से भी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये डिबेट हो तो रही है, ये चीज प्रकाश में तो आ रही है। इसीलिए मैं इसके लिए कहूंगा, जो हिंदू सनातनी परंपरा है, सभ्यता है, अगर इनके हाथ में रही, सरकारी नियंत्रण में रही, तो निश्चित है ये छिन्न भिन्न होगी। और हम लोग साधु संत लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, कुंभ मेले में इसकी चर्चाएं भी होती हैं कि जो हमारे स्थानीय जो परंपराएं हैं, हम साधु संतों के हाथ में रहेंगी, हमारा दिशा निर्देशन रहेगा, तो निश्चित है स्थानीय आधार पर रोका टोकी होगी, तो कोई भी ऐसी चीज वहां पर नहीं होगी, प्रतिबंधित होगी। लेकिन जहाँ शासन सरकार है, जिसकी सरकार आती है बहुमत के आधार पर, वो अपना कानून नियम चलाते हैं, तो ऐसे हमारे हिंदू आस्थाओं पर चोट पहुंचाई जाती है। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी में
इतने दिन से हो रहा, आप इतनी सारी चीजें चला रहे हैं, जैसे कि अभी चाचार्य चर्चा ही कर रहे थे कि गौशालाएं होना चाहिए, तो आप एक बृहद गौशाला क्यों नहीं, जब प्रथम भोग जो है वहां गोपुर जिसको भगवान के गर्भगृह को कहा जाता है और प्रथम वहां गौ ही गौ का ही मक्खन जाता है, भगवान के मुख में भोग लगाया जाता है सबसे प्रथम दृष्टया, तो जब ऐसी परंपरा है नियम है तो गौशाला का संरक्षण होना चाहिए था। उससे जो निकलता घी मिलता दूध मिलता वो अभिषेक में भोग प्रसादी में लगाया जाता, तो कहीं से मिलावट की कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन पूर्व से ध्यान नहीं दिया गया और सीधा सीधा ध्यान ये है कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है वो किस प्रकार से बोर्ड के हाथ में पहुंचे और ईसाई मिश्रियों में खर्च किया जाए। इंटरनेशनल ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, अगर ये नहीं हुआ तो हमारी हिंदू आस्था हमारी परंपरा पर बहुत बड़ी चोट होगी और कल के दिन हमको ये ना सुनना पड़े कि जितने भी प्रमुख मठ मंदिर जितने भी स्थान हैं उनकी संपत्ति जिस प्रकार से माहौल चल रहा है वक्फ बोर्ड के लिए जी। इस इतनी यानी कितनी अवैध धरती उन्होंने अपने हिंदुस्तान की अपने देश की कब्जा में कर रखी है, वैसे ही हमारे मठ मंदिरों की संपत्ति की धरती सब कुछ उनका ही होगा और इसके लिए पुनः हम लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा और कत्लेआम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनेगा तो अपने हाथ में हमको कानून लेना पड़ेगा। हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए जब बैराग्य लिए हैं संन्यास लिए बैठे हैं इसके लिए, तो निश्चित इसके लिए हम मरेंगे मिटेंगे शस्त्र भी उठाएंगे। अभी तो हम शास्त्र के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं लेकिन कल के दिन अगर हमको शस्त्र उठाना पड़ेगा अपनी धर्म की रक्षा के लिए तो उठाएंगे, क्या करेंगे, इसके अलावा कोई उपचार ही नहीं है। ठीक है महंत धर्मेंद्र दास जी, अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अपने मंदिर मठों की सुरक्षा के लिए क्या लगता है क्या कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए सबसे पहले तो सरकारों के जो बने हुए बोर्ड, आप चाहे अब दक्षिण की बात चल रही है तो आप तमिलनाडु में हमारे मंदिरों के नियंत्रण के लिए बोर्ड है, आंध्रा में है, आप तेलंगाना में देखिए, तो ये जितने भी तथा कथित मठ मंदिर को कि वहाँ के अन्य धर्मों के धार्मिक इलाकों से लिया जाता है 1 रुपए, मंदिरों से वहाँ 12 रुपए बिजली की यूनिट बिजली ली जा रही है। आप समझिए ये हमारे वहाँ जो तमिलनाडु बात कर रहा हूँ कांशीपुरम में हम लोग थे, तो इस तरीके से हमारे मठ मंदिरों के साथ दुर्व्यवहार। दूसरी बात, आप केवल घी पर मत जाइए, आज लखनऊ हो या यूपी हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, लगभग ये जितने दूध के लोकल ब्रांड आ रहे हैं इनमें भी मिलावट है, तो जो हमारा विभाग है ना जांच करने वाला इसको संजीदगी से करना चाहिए और जो आप लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं इसको कम से कम 1 महीना चलाइए, 2-3 दिन के अंतराल के हम सब संत बैठे हैं खड़े हैं बात चलने को तैयार हैं, सनातन से संबंधित सारे हमारे अखाड़े से लेकर के गांव तक की जो संस्थाएं हैं वो सभी काम करेंगे। लखनऊ में भी हम लोगों ने मांझी बैठी है साथ में, सनातन संस्कृति का हम लोगों ने गठन किया है और ये मिलावट से लेकर के मंदिरों के जमीन में जो घोल मेल हुआ है, क्योंकि हमारे लोगों के जितने भी गांव मठों से दूर हो गए, मंदिरों की जमीन अतिक्रमण हो गई, आप वहाँ रास्ता बंद किया गया, ये भी एक याद है, मंदिर जाने के रास्ते आपको हर जगह सकरे मिलेंगे, वो तो धन्यवाद हो जो सरकार चल रही है कि इन्होंने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, बद्रीनाथ का कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, वरना आप देखिए पहाड़ के पहाड़, अभी शिमला का कहानी आप देख रहे थे, बिना नक्शे के बिना किसी प्रस्ताव के वहाँ कितना बवाल किया सनातनियों ने, तो ये जमीन से लेकर के खाने के सामान तक का जिहाद है। इनके यहाँ बोला जाता है कि आप सामान केवल मुस्लिम से लेगा, हिंदू सनातन धर्म का कोई ऐसा बोर्ड नहीं है कि आप हिंदू लोग हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग अच्छी दुकान सनातनी दुकान से ही सामान लेंगे, कोई नहीं बोलता है ना कोई इसको सुनता है, कहीं पे ये बात उठी थी कितने लोगों पे कार्रवाई हो गई, लेकिन हमेशा ये मुसलमान लोग बोलेंगे मिठाई मस्जिद के नीचे वाले दुकान से लेना, इस पे कोई नहीं बोल रहा है।
बिल्कुल। अगर अभी योगी जी ने प्रस्ताव किया था कि आप होटल आदि जो हरिद्वार से चल के सनातनी कांवड़ लेकर आते हैं और जल चढ़ाते पवित्र उसमें अपने दुकानों के सामने बोर्ड लगाइए, तो आपने देखा वामपंथी या एक विचारधारक मानने वाले वकील, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करी, इनका तो एक गैंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, तो यानी आप जो सब धर्म गुरु है वो एक बार फिर इस बात पे सहमत हैं कि सभी दुकानों पे उनकी नेम प्लेट लगी होनी चाहिए ताकि जो है दुकानदार के बारे में जानकारी मिल सके और शुद्धता बनी रहे। ठीक है, हम शुभम गिरी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके विचार। शुभम जी शुभम जी आपकी आवाज में नहीं मिल पा रही है, और साथ ही गोपाल दास जी भी कुछ कहना चाह रहे। गोपाल जी जी की घटना है जी, वहाँ मुस्लिम लोग आकर के दुकानें रखे परिक्रमा पथ में और मांस मदिरा और सारी चीजें बेचना चोरी छुपे, और वहाँ पर मां मंदाकिनी के तट को अशुद्ध करना और वहाँ दुकानें खोलना दूसरे नाम से, लेकिन हम सारे साधु संतों ने बैठक की और उनको वहां से खदेड़ा, उनकी दुकानें बंद करवाई, क्योंकि ये हमारा परम पवित्र तीर्थ श्री चित्रकूट धाम है, अभी यहाँ कोई भी मुस्लिम भाई नहीं पहुंचा, और ये भाई के नाम से कहते हैं भाई जान बनते हैं, इसके बाद ये जान लेने लगते हैं। ऐसा वहाँ चित्रकूट धाम में हुआ, अभी की 20 दिन पूर्व की घटना है जी। वहां पर किसी सरकार ने दो पट्टे भी किए थे परिक्रमा पथ में, उनको भी हटवा गया, निरस्त करवाया गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे वहां पर मजार मस्जिद बना रहे थे। तो जब आप मक्का मदीने में 40-60 किलोमीटर के दूरी तक आप कोई भी वहां पर कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही हमारे तीर्थों के लिए नियम कानून बनाए जाएं कि कम से कम वर्तमान में जो स्थिति है, जो वहां की पवित्रता है स्वच्छता है वो बनी रहे जी। इसके लिए भी सरकार कुछ नियम बने तभी बच पाएगा, नहीं धीरे 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 ये यही कहते हैं कि नहीं हम लोग भी नागरिक हैं, हम लोग भी भारत में पैदा हुए हैं, तो हम भी कहीं भी जमीन खरीदेंगे चाहे जहां जमीन दुकान रखेंगे, तो लेकिन हमारे तीर्थ तो सुरक्षित रहे। जब 500 वर्ष हमको संघर्ष करना पड़ा तब हम वहां पर मस्जिद तोड़ करके अपना मंदिर वापस ले पाए राम जन्मभूमि अयोध्या में, आज मंदिर बन पाया, हमको रामलला की भूमि मिल पाई, न्याय मिल पाया राम को, तो ये राम का देश है, यहाँ राम ही और हम उनके बनाए हुए तीर्थ और साधु संतों के तीर्थ ही उपेक्षित हो जाए, और इस प्रकार से ये लोग धीरे धीरे सभी जगह अपवित्रता फैलाएं, जमीन और मस्जिद बनाएं, मजार बनाएं, तो फिर कितना बड़ा संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल। और महंत शुभम गिरी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंद जी के पास भी जाएंगे। ठीक है शुभम गिरी जी। शुभम गिरी जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी शुभम गिरी जी अपनी अपनी बात रखिए। ठीक है वेद मूर्ति नंद जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात जी। जी पूज्य महाराज श्री मदन गोपाल दास जी ने बहुत अच्छा बात कही है, और देखिए महाराज जी से हम कहना चाहेंगे कि महाराज जी चित्रकूट ही नहीं, आप महाकाल में जाकर के देखिए जितने फल बेचने वाले हैं, जितने फूल बेचने वाले हैं, सारे कौन हैं? शांति दूत ही हैं। हरिद्वार के जाकर के देखिए पूरे ज्वाला नगर में 32% मुसलमान बढ़ गए, देहरादून में कभी 5-7% थे आज 45% हो गए, ये काशी विश्वनाथ में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि हिंदुओं को तो अपना काम करना नहीं है, वो तो 10,000-12,000 की नौकरी करेंगे, वो फल नहीं बेच सकते, वो फूल नहीं बेच सकते, ये सब जगह षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आपका बात का मैं समर्थन करता हूं कि जिस तरह मक्का में 60 किलोमीटर के दूर पे गैर मुस्लिम के अलावा कोई नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारे जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, पावन शक्ति पीठ है, वहां पे गैर हिंदुओं के सिवा किसी का दुकान नहीं होना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं का होना चाहिए, ये मांग हम लोग इस बार जो है कुंभ में प्रयागराज में रखेंगे, और इस तरह की व्यवस्था बनेगी तभी जाकर के सनातन धर्म का जो
है बच पाएगा, अन्यथा इस तरह का लोग कुचक्र करते रहेंगे। और विशेष करके जो श्रीपति जी बालाजी का मंदिर है वहां पे प्राचीन व्यवस्था थी, जो आज लोग कह रहे हैं, हमारे शुभम गिरी जी ने कहा कि वहां गौशाला बनानी चाहिए। आप जानते होंगे तिरुपति के पास एक पुंगनूर नाम का गांव है, वहां पे पुंगनूर नाम की गौ माता है और उसी गौ माता का दूध का और उसी गौ माता का घी का प्रसाद जो है भगवान नारायण को अर्पित किया जाता था। और विशेष करके वैष्णव संप्रदाय के लिए मूल जो बैकुंठ स्थान माना गया है इस धरा धाम पे, वो तिरुपति बालाजी को कहा गया है। इदम विष्णुवी चक्रमे त्रेधानी दधे पदम्मा समूढमस्य पाकुं सुरेश्वाहा, तो वो मूल जगह है। और वैष्णव संप्रदाय में आप जाकर के देखेंगे भितरिया होते हैं जो वहाँ भोजन प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए, वो सिले हुए वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं। अगर वो लघु संका जाते हैं तो उनको स्नान करना पड़ता है, आचमन करना पड़ता है, उसके बाद वो किचन में जाते हैं। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था है। लेकिन जो गौ मांस खाने वाला ईसाई जिसका अध्यक्ष होगा, वो कहां से हमारी मान मर्यादा, कहां से हमारी सभ्यता, कहां से हमारी वैदिक रीति रिवाज को वो पूरा कर पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब वहां का अध्यक्ष कोई संत होंगे, कोई महात्मा होंगे, कोई वेद पाठी ब्राह्मण होगा, तभी जाकर के वो जो प्राचीन परंपरा है वह बच पाएगी। नहीं तो इस तरह के गौ मांस खाने वाले ईसाइयों को जहां जहां बिठाया जाएगा इसी तरह का कुकृत्य होगा, क्योंकि आज के समय में मुसलमानों से भी ज्यादा अगर खतरनाक कोई है तो वो ईसाई है। वो देख लीजिए शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर क्या कर रहा है पूरे देश में, कॉन्वेंट स्कूल खोला और वहां पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये आने वाले 10 वर्षों में दिखाई देगा। सारे बच्चे जो है वो नास्तिक होंगे, क्योंकि वह कॉन्वेंट स्कूल के प्रोडक्ट है, गुरुकुल तो जाते ही नहीं है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये सब तरह का कुचक्र रचा जा रहा है। अब हम संत लोग इस तरह का बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे और ऐसे लोगों को तत्काल फांसी देने की मांग करेंगे। ठीक है महंत दिव्यागिरी जी, आपके इस पूरे मामले पे क्या राय है, क्या कहना चाहेंगी? जो चुनौतियां सामने आ रही है सनातन धर्म में, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए आपकी क्या राय है? देखिए इस पे 3 बिंदु पूरी चर्चा में निकल के आए कि जो भी मठ मंदिर का संचालन है वो गैर हिंदू के हाथ पे ना हो और सरकार उसका अधिग्रहण न करे, पहला। दूसरा कि चूंकि तत्काल में हम लोग इस पे एक ठोसात्मक कार्रवाई चाहेंगे तो जो प्रसाद है बाहर से ना जाए, उस पर रोको, खाद्य विभाग तुरंत जब तक वो जांच ना करे तब तक प्रसाद ना चढ़े, उसके पहले प्रसाद पे रोक होना चाहिए। सिर्फ फल फूल या आप प्रणाम करें विग्रह को। तीसरा कि जो अब तक लोगों का धर्म भ्रष्ट हो चुका है उनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि उनको जब तक मृत्युदंड नहीं मिलेगा अन्य लोगों को इस गलतियों पे सीख नहीं मिलेगी। 3 बिंदु इस पूरी चर्चा में निकल के आए, मुझे लगता है कि इस परिचर्चा को लोग सुनेंगे और इन 3 बिंदुओं पे अत्यधिक कार्य होगा। जी बिल्कुल, आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। हमारे साथ सनातन धर्म समिति के महासचिव धर्मेंद्र दास जी लखनऊ से जुड़े हुए थे, हरिद्वार से महंत शुभम गिरी जी, डॉक्टर श्री मदन गोपाल दास जी महाराज अधिकारी ट्रस्ट श्री कामत गिरी प्रमुख चित्रकूट से जुड़े हुए थे, साथ ही हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी और लखनऊ से मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सभी महंतों ने अपनी राय रखी और सभी एकमत होकर एक ही बात कहते हुए नजर आए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और किसी भी गैर हिंदू के हाथ में किसी भी ट्रस्ट की कमान ना जाए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।